नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं एसके इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हर एक खबर पे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। खबर यूपी के रायबरेली से, जहां बचरावा कस्बे के महाराजगंज रोड पर समाधानेश्वर मंदिर के पास एक तालाब है जो गलत तरीके से वो माफियाओं ने राजस्व अधिकारियों के साथ काट करके अपने नाम करवा लिया है, जिसमें डंपर द्वारा मिट्टी से पाटने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर पूर्व विधायक व भाजपा नेता रामलाल अकेला के नेतृत्व में नगर अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह उर्फ राम जी समेत सैकड़ों लोगों ने महाराजगंज तहसील स्थित एसडीएम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और तहसील परिसर में घूम घूम कर तहसील प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम महाराजगंज राजित राम गुप्ता को सौंपा। आपको बता दें कि पूर्व विधायक रामलाल अकेला व नगर अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह उर्फ राम जी ने एसडीएम महाराजगंज राजित राम गुप्ता को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि नगर पंचायत बचरावा की आबादी घाटा संख्या 1185, आपको बता दें पटे 8.165 हेक्टेयर के जलमग्न क्षेत्र में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके से पैमाइश करके मिट्टी डालकर पटाई की जा रही थी, जिस पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कब्जा किया जा रहा है। उक्त काटा संख्या पर जब पैमाइश कानूनी तरीके से नहीं होती है तब तक अवैध कब्जा रोका जाए, पुलिस प्रशासन का जबरन हस्तक्षेप रोका जाए और राजस्व टीम की गलत पैमाइश और दी गई आख्या को निरस्त किया जाए। इसके अलावा पुलिस प्रशासन व दबंगों को गरीबों के मकानों को उजाड़ने से भी रोका जाए। पूर्व विधायक व भाजपा नेता रामलाल अकेला ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी सरकारी तालाबों की जमीन को संरक्षित करने तथा अवैध कब्जे से कब्जा मुक्त करने का फरमान जारी किया है, इसके बावजूद राजस्व कर्मियों के हिटलर शाही के चलते कोटवार सरकार के आदेश व प्रमाण रद्दी के भाव में चल रहे हैं। राजस्व कर्मियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। बात करें राजस्व कर्मियों की तो वह सब भूमाफियाओं से मोटी रकम लेकर अवैध कब्जे को मुक्त नहीं करवाना चाहते हैं। नगर अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह उर्फ राम जी ने कहा कि तहसील प्रशासन की सह पर तालाब की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करके मिट्टी से पाटने का काम किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित मामले से अवगत कराते हुए एसडीएम महाराजगंज को शिकायती पत्र देकर मामले में कार्यवाही करते हुए तालाब की जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराने की शिकायत की गई है। वही कानूनों आपको बता दें वही कानून को रंजन कुमार और लेखपाल राजेश कुमार द्वारा भूमाफियाओं से साठगांठ गलत पैमाइश करके मोटी रकम अटते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं तथा दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आंदोलनकारियों ने बताया है कि नगर पंचायत बचरावा की आबादी घाटा संख्या 1185/8.165 हेक्टेयर के जलमग्न क्षेत्र की फर्जी रिपोर्ट दे रखी है और जिन गरीबों के प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं उन्हें नोटिस जारी कर दी गई है जो सरासर गलत है। घाटा संख्या 1185 जिसका रकबा 32 बीघे का है, इसमें तालाब है और आबादी भी बसी हुई है जो नॉन जेड ए है। उक्त घाटा संख्या में मोरावा के रहने वाले खत्री परिवार के एक व्यक्ति ने नितिन शुक्ला के नाम बहनामा किया था। मामले में नितिन शुक्ला द्वारा वर्तमान समय में बंजर पर स्थित तालाब में मिट्टी डलवा कर पाटने का काम किया जा रहा है, जबकि उनके बहनामे की जो जमीन है यहाँ पर है ही नहीं। आंदोलनकारियों ने बताया है कि डंपर द्वारा मिट्टी से तालाब की पटाई रात के अंधेरे में की गई है। इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाते हुए मामले में निवर्तमान थाना अध्यक्ष ब्रजेंद्र शर्मा की लिप्तता बताई है। आंदोलनकारियों ने भी यह बताया है कि समाधानेश्वर मंदिर के पास स्थित तालाब को राजस्व के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पहले की गई माप में ग्राम सभा का बताया जा रहा था, अब जब दोबारा नाप की गई तो इस तालाब को नगर पंचायत का बताया जा रहा है। बार बार दो तरीके की बातें करना राजस्व कर्मियों की कार्यशैली को संदिग्धता के दायरे में होना प्रतीत माना जा रहा है। इस मौके पर विद्यासागर अवस्थी एडवोकेट शैलेंद्र सिंह एडवोकेट, रणविजय सिंह एडवोकेट, सभासद सतीश तिवारी, कुंवर बीरभान सिंह, ज्ञान सिंह, बाबी, नदीम, बालकृष्ण, धर्मेंद्र, शंभू दयाल, सोनू सोनकर, भोलू सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रतिनिधि समेत क्षेत्र की तमाम जनता ने एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया है। बिराजी, क्या मामला? धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं तहसील महाराजगंज, तो क्या है पूरा मामला? धरना प्रदर्शन के लिए हमारे बचरावा के नागरिक आए हैं और वहाँ पर समाधानेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसके पीछे एक तालाब है जी, बहुत पुराना तालाब है और इतना गहरा तालाब है कि पूरे कस्बे का पानी और 4-5 गांव का, दर्जनों गांव का पानी उसी तालाब के अंदर आता जाता है और उसी के किनारे प्रधानमंत्री आवास योजना से 11 दलित परिवार के लोगों को सरकारी पैसा मिला, प्रधानमंत्री आवास मिला, उसमें उनके मकान बने हुए हैं। पूरी तरीके से वो तालाब है। तथाकथित एक सज्जन ने एक बैनामा लिया। अरे सज्जन कौन से हैं? बैनामा लिया वो पार्टी के जिलाध्यक्ष के लड़के, युवा कांग्रेस के पदाधिकारी अंकित नितिन शुक्ला,
उन्होंने बैनामा लिया, जो बैनामा लिया और नान जगह की जमीन है उस पर किसी भी तरीके से कोई पैमाइश नापजोक नहीं हो सकती जी, किसी के पास पावर नहीं है इसकी। उसके बाद जो है और 35 बीघे का वो रकबा है, लेखपाल और कुछ राजस्व कर्मियों ने साठ गांठ करके एक टुकड़ा बता दिया कि ये तुम्हारा है। प्रश्न इस बात का है कि 35 बीघे का वो रकबा और एक टुकड़ा आपने कैसे बता दिया कि आपका है? अगर पैमाइशी करना था तो संपूर्ण 35 बीघे के रकबे को कहां से कहां जड़ है, कहां अंत है, और उस पूरी तरीके से आप नाप जो कुछ किया नहीं। तीसरी चीज़ ये है, उसी तालाब को अभी 10-15 दिन के अंदर 55 डंफर मिट्टी तालाब को पाटने के लिए डाली गई, तालाब पाटा गया। पुलिस की मारुति ये 112 नंबर गाड़ी वहाँ खड़ी है। क्या करता रहा लेखपाल? तीन रात मिट्टी पाली गई। क्या करती रही वहाँ के थाने की पुलिस? 55 डंफर मिट्टी डालकर उस तालाब को पाटने का काम किया गया। जब मामला नागरिकों के संज्ञान में आया, नागरिक खड़े हुए, तो नोटिस दी जा रही गरीबों को, जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना सरकारी पैसे जिनके घर बने, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि गरीब वर्ग का व्यक्ति अगर सुरक्षित जमीन पर भी उसने अपना आशियाना बना रखा है तो उस गरीब आदमी को छेड़ने का काम न किया जाए। कौन से अधिकार से आप नोटिस दे रहे हो? और तीसरी चीज़ ये है, लेखपाल ने पैमाइश किया, राजस्व कर्मियों ने हाईकोर्ट में जो है वो रिट दाखिल हुई, तो उसके आधार पर इन्होंने एक रिपोर्ट दाखिल किया कि वहाँ पर फला व्यक्ति का कब्जा पाया गया। वो रिपोर्ट मेरे पास है। मेरी मांग ये है कि राजस्व कर्मी जिलाधिकारी महोदय एक टीम भेजें और इस चीज़ को सत्यापित करें कि अमुक व्यक्ति का कब्जा कहाँ पर है, और अगर उसने झूठी रिपोर्ट दिया है तो उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का काम किया जाए। नोटिस दी गई है, उनकी नोटिसें वापस ली जाए, उनके घरों के साथ कोई छेड़छाड़ी न हो, तालाब के साथ कोई छेड़खानी न हो। यही बात करने के लिए SDM साहब से हम सब लोग आए। हमारे साथ अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जी विद्यासागर जी हैं, सारे हमारे सब पदाधिकारी वकील संघ के सब लोगों ने इसमें इन्होंने कल बहुत, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराजगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी को कि अपना समय निकाल कर जब इनको पता चला तो ये बछरामा खुद गए और इन्होंने पूरे मौके का मुआयना किया कि हमने कहा अध्यक्ष जी देख लो कहाँ जो लेखपाल ने लिखा है कहाँ इसमें कब्जा है। इन्होंने पूरा निरीक्षण किया, एक इंच कहीं उसका कब्जा नहीं पाया गया। तो ये झूठी रिपोर्ट कलेक्टर को, लेखपाल की इतनी हिम्मत, झूठी रिपोर्ट कलेक्टर को, डिप्टी कलेक्टर साइन करे, सरकार को बदनाम करने की साजिश है, रिपोर्ट कोर्ट में जाए तो हमारे मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश है। और जो भी ब्यूरोक्रेट हमारे मुख्यमंत्री हमारी सरकार को बदनाम करने का काम करेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके खिलाफ झंडा लेकर के खड़े होने का काम करें। क्या मामला है, किस वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कहीं हमारे कस्बा का बहुत ही गंभीर मामला है, जल संचयन के लिए समाधान मंदिर से सटा हुआ सारंग और समा दो तालाब हैं, दो तालाब सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष जी का लड़का नितिन व अंकित शुक्ला, युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कूट रचित बैनामा कराकर उस तालाब को रात में लगातार पाटने का प्रयास कर रहे हैं और इससे हमारे कस्बे में जल संकट बहुत बड़ा गहरा जाएगा। और हम ये धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए हैं कि जो तहसील प्रशासन लोकल प्रशासन के द्वारा जो रिपोर्ट लगा के दी गई है कि नितिन व अंकित शुक्ला का वहाँ कब्जा पाया गया है, जो कि सरासर गलत है जी। विधायक जी संघर्ष करो, लेखपाल हटाओ, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, अभी तो ये अंगड़ाई है, लेखपाल हटाओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।